हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीसी ज्ञान। सो इस वीडियो में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में लाइसोसोम एंड माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सो लाइसोसोम जो है उनकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन डी टूवे ने इन 1995 में, जो लिवर सेल्स हैं उसमें। और इनको जो है पहले नाम दिया गया था पेरी कैनेलिक्यूलर डेंस बॉडीज़, ठीक है। फिर जो टर्म है लाइसोसोम, जो नाम है लाइसोसोम, वो दिया था नोविकॉफ ने, जिन्होंने इसकी स्टडी की थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। सो लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंड सोम्स का मतलब होता है बॉडी, यानी जो ऐसी बॉडीज जो डाइजेशन करती हों। लाइसोसोम जो है गोलाकार एकल भित्ति से परिबद्ध कोशांग है, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम जल अपघटनीय एंजाइम्स भी कहते हैं। और लाइसोसोम की प्लाज्मा झिल्ली में जो है भरे हुए एंजाइम और अन्य उत्पादों की के लिए जो है ये अपरागम्य होती है, जो इसकी मैम्ब्रेन है वो इम्पर्मिएबल होती है। और इन्हें आत्मघाती थैलियाँ यानी सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके फटने से जो इनमें उपस्थित जो एंजाइम्स हैं वो पूरी कोशिका को जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, और शरीर की जो डेड सेल्स हैं उनको भी ये नष्ट करने का कार्य करते हैं। और आरबीसी में लाइसोसोम एब्सेंट होते हैं, क्योंकि अगर आरबीसी में लाइसोसोम प्रेजेंट रहेंगे और वो फट गए तो सारे आरबीसी ख़त्म हो जाएंगे ना, और हम भी मर जाएंगे ऐसे, इसलिए उसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। और जबकि डब्ल्यूबीसी और मैक्रोफेजियस सेल्स में इनकी संख्या सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये जो है जो फॉरेन बॉडीज़ जो होती हैं, जो माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उनके डाइजेशन में जो है ये काम करते हैं। सो इनकी संख्या जो है सर्वाधिक होती है डब्ल्यूबीसी और माइक्रो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ये जो है चार तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, देन है टर्शियरी लाइसोसोम्स, या फिर इन्हें हम रेजिडुअल बॉडीज भी कहते हैं, और जो अवशिष्टकाय, और फिर है ऑटोफेजिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम्स या ऑटो लाइसोसोम्स भी इनको कहा जा सकता है। सो जो प्राइमरी वैक्यूल्स हैं, बस सेल में जो है देख लेते हैं हम। सो ये पार्टिकल्स जो है सॉलिड यहाँ एंटर हुआ है इन द सेल, और ये है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होते हैं, ये न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होते हैं जिनमें सिर्फ एंजाइम्स होते हैं, और वो प्रोबेबली इनएक्टिव स्टेट में हो सकते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। देन सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें ये जो पार्टिकल है जो बाहर से आया है ये एंटर कर गया है, और जो मटेरियल जो डाइजेस्ट होने के लिए एंटर कर जाए प्राइमरी लाइसोसोम में, तब हम उसे सेकेंडरी लाइसोसोम या फेगोलाइसोसोम कह सकते हैं, या फिर डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, और उसके अलावा हम उसे हेट्रोफेगोसोम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये आ गया इसके अंदर सेल में, फिर जो है सेकेंडरी लाइसोसोम जो है जिसमें एंजाइम जो है डाइजेस्ट करते हैं इनकमिंग मटेरियल को, और जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ डाइजेशन के वो पास होते हैं थ्रू लाइसोसोम मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन फॉर द यूज़ एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और एनर्जी। तो सेकेंडरी लाइसोसोम जो जिनमें इनडाइजेस्टिबल मैटर होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, मतलब पहले तो डाइजेशन हो गया है, फिर जो इनडाइजेस्टिबल मैटर जो बच गया है सेकेंडरी लाइसोसोम में, तब उसे हम कहेंगे रेजिडुअल बॉडी या फिर टर्शियरी लाइसोसोम। सो प्राइमरी लाइसोसोम ये गोल्जी बॉडी से जो है दूर सिरे पर विकसित होकर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, और इनमें अम्लीय हाइड्रोलिज एंजाइम भरे होते हैं, और ये इनको हम स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। फिर है सेकेंडरी लाइसोसोम, इनका निर्माण जो है वो फैगोसाइटोसिस या फिर पिनोसाइटोसिस के लिए होता है। जब ये फैगोसोम या पिनोसोम्स जो है प्राइमरी लाइसोसोम में संलग्न हो जाते हैं, तब इन्हें हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है, और इन्हें हेट्रोफेगोसोम्स भी कहते हैं, और इन्हें इनमें उपस्थित जो जल अपघटनीय एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो भोज्य पदार्थों पर क्रिया करके उनका पाचन करते हैं, और ये अतः ये इन्हें हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। फिर जो टर्शियरी या फिर रेजिडुअल बॉडी है उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी लाइसोसोम में पाचन क्रिया के बाद अपचित जो पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि वसा है, माइलिन बॉडीज अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बच गए हों, तो उन्हें हम रेजिडुअल बॉडी के रूप में कोशिका द्रव्य में रखा जाता है, और समय समय पर जो है एक्सोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है।
फिर है ऑटोफेजिक लाइसोसोम्स, इनका निर्माण जो है प्राइमरी लाइसोसोम द्वारा कोशिका के कोशिकांगों का पाचन करने से होता है, और ये रचनाएं जो है वो ऑटोफेगोसोम्स भी कहलाती है, जो लिवर सेल्स में ऐसा भोजन प्राप्त ना होने की स्थिति में जो है, सो ये सेल्स जो है वो डाइजेस्ट करते हैं अपने खुद के ऑर्गेनल्स जो है, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसलिए इनको हम ऑटोफेजिक फेजिक वैक्यूल्स या फिर ऑटोलाइसोसोम्स कहते हैं। सो जब कोशिका में कोशिकांग अनुपयोगी हो जाते हैं तब इनकी मरम्मत संभव नहीं होती, तो इनका जो है फिर इनको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। फिर एंजाइम क्या है लाइसोसोम्स के? सो एंजाइम जो है इसमें मुख्यतः एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम पाया जाता है, और जो अम्लीय पीएच जिसकी 4 से 5 होती है पर ये क्रिया करता है, और ये एंजाइम जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति के होते हैं जो रफ ईआर में संश्लेषित होकर गॉल्जी बॉडी से होकर लाइसोसोम तक आते हैं। सो इनकी पीएच जो है वो मिनिमम 5 होगी, इसलिए इनको एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। और अब जो है 50 टाइप के एंजाइम्स जो है वो पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के लाइसोसोम्स में, जैसे कि अल्फा ग्लाइकोसिडेज है, अल्फा मोनोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, एसिड लाइपेज, एसिड फॉस्फेटेज, उसके अलावा सल्फेटेज है, न्यूक्लियेज है जैसे डीएनएज आरएनएज वगैरह, तो इस तरीके से जो है एंजाइम्स में इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम में। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। तो ये अंतःकोशिकीय पाचन करता है, अनेक कोशिकांगों का जो जीवन काल जो है वो छोटा होता है, तो फिर वो एक जो है वेस्ट के तरह रहते हैं सेल के अंदर, तो उनको जो है लाइसोसोम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या उनको पाचित कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा मृत कोशिकाओं का निष्कासन भी इसके द्वारा ही होता है, तो लाइसोसोम द्वारा शरीर के जो डेड सेल्स हैं उनका भक्षण कर उन्हें पाचित कर हटाने का कार्य भी जो है लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है, और इस क्रिया को हम क्रिनोफेजी कहते हैं। नेक्स्ट है कायांतरण के समय, मेंढक के कायांतरण के समय टेडपोल से वयस्क बनने पर टेडपोल की पूंछ का जो है अपहास लाइसोसोम द्वारा ही किया जाता है, और फिर न्यूट्रिशन में भी अंडों में लाइसोसोम संग्रहित होकर भोजन जैसे कि प्रोटीन और वसा आदि का पाचन कर एग सेल के विकास के लिए ये पोषक पदार्थ जो है उपलब्ध करवाते हैं। उसके अलावा लाइसोसोम जो है वो ट्रिगर करता है सेल डिवीजन को, या फिर इनिशिएट करेगा सेल डिवीजन बाय डाइजेस्टिंग रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स, और रिलीज ऑफ हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि थायराइड से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि को फॉलिकल्स में वृष अणु थायरो ग्लोब्यूलिन से जुड़ा रहता है, और इस वृहद अणु का जो पाचन है वो लाइसोसोम द्वारा ही किया जाता है, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो आसानी से रक्त में मुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा ये फंक्शन करता है एक्टोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का भी। नेक्स्ट है माइक्रोबॉडीज। तो डी डूवे और उनके को वर्कर्स ने जो है लाइसोसोम के अतिरिक्त सेल में जो है एकल झिल्ली से आवृत जो गोलका कण समान अन्य रचनाएं देखी, उन्हें हम माइक्रोबॉडीज जो है नाम दिया गया है, और इनमें जो है दो प्रकार की माइक्रोबॉडीज का अध्ययन किया गया। पहला है पेरोक्सीसोम्स। तो पेरोक्सीसोम्स जो है उनकी डिस्कवरी, इनको फर्स्ट जो है डिस्कवर किया था जो है रॉडिन ने इन 1954 इन द सेल ऑफ माउस किडनी, और फिर उसके बाद इसको नाम दिया गया माइक्रोबॉडीज, और डी डूवे ने इनको आइसोलेट किया था 1965 में सर्टेन सैक लाइक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो दीज वर कॉल्ड पेरोक्सीसोम्स बिकॉज दिस कंटेन पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स एंड पेरोक्साइड डिस्ट्रॉइंग एंजाइम्स जैसे कैटालेजेज एंड ऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडेज जो है वो पेरोक्साइड प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स हैं और डिस्ट्रॉइंग है कैटालेजेस। सो ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों की सेल में पाई जाती है, और ये छोटी गोलाकार एकल झिल्ली वाली रचना होती है तथा इसमें परोक्सीडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैटालेज और यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम भी पाया जाता है, और इसकी उत्पत्ति जो है वो स्मूद ईआर से मुकुलन से होती है।
तो इसके फंक्शन क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि विषैले H2O2 का विघटन करना, इसका जो है सबसे प्रमुख कार्य है। और ये H2O2 कोशिकाएं जो उपापचय के दौरान बनने वाला एक टॉक्सिक होता है। सो ये परऑक्सीडेज जो है इसको H2O प्लस ऑक्सीजन में जो है कन्वर्ट कर देता है। फिर परऑक्सीजोम में वसा अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन होता है। प्यूरिन का उपापचय जो है परऑक्सीजोम से होता है। और प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन जो है हरे पौधों में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ श्वसन की क्रिया भी जो है होती है। जैसे पौधे जो है CO2 के स्थान पर O2 ग्रहण करते हैं और इस क्रिया में जो है तीन कोशिकांग भाग लेते हैं। तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा है जो परऑक्सीजोम्स है। तो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स की जो प्लांट्स है उसमें पाए जाते हैं। और एनिमल्स में परऑक्सीजोम जो है वो लीवर और किडनी सेल्स में जो है वर्टिब्रेट्स की उनमें पाए जाते हैं। सो ये जैसे कि ब्रेन है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन है, टेस्टिस एंड एडिनल कॉर्टिक्स, इनमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइऑक्सीजोम्स। इनका वर्णन जो है वो ब्राइडन बैच ने किया था। और अंकुरित होते तेलीय बीजों यानी सोयाबीन मूंगफली की नवोद्भित कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं तथा ये बीजों में संग्रहित वसा को शर्करा में बदलते हैं और वसा का शर्करा में परिवर्तन के लिए जो है रिएक्शन का एक चक्र पाया जाता है जिसे हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। सो ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हैं वो फंगस में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट और जर्मिनेटिंग सीड्स में तो हमने देखा ये कि इसमें भी पाए जाएंगे। और एनिमल्स में जो है ये कन्वर्जन जो है वो नहीं होता है क्योंकि हम इनमें जो है ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। तो ये स्फेरिकल शेप के होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो फैट्स का कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी फैट को ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।